अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MRBTech। MRBTech यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपके साथ मीसम रज़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए तीन ऐसे एडिटर्स लाया हूं जो कि मैं पर्सनल भी यूज़ करता हूं और मुझे बहुत ही अच्छे एडिटर्स लगे, और मैं इनमें से दो एडिटर्स को काफ़ी टाइम से यूज़ भी करता आ रहा हूं। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, और ये तीन एडिटर्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। सो लेट्स जंप टू द वीडियो। सो गाइस, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इन तीनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वाटरमार्क फ्री चाहिए तो आप क्रोम पर जाकर और लिख सकते हैं इसका नाम, और उसके सामने लिख दीजिए मॉड, और पहले या दूसरे नंबर पर जो भी वेबसाइट है उस पर जो है आप क्लिक करके और आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और वो वाटरमार्क फ्री होंगे। तो फर्स्ट नंबर पर मैंने जो रखा है वो है काइनमास्टर। काइनमास्टर एक ऐसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिसको मैं जब से YouTube पर आया हूँ तब से यूज़ कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट एडिटर भी है, और इसको मैंने फर्स्ट नंबर पर इसलिए ही रखा है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि क्रोमा की, इसमें आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं, इसमें आप टेक्स्ट ऐड करना तो एक बेसिक सी बात है, और आप इसमें जो है कई ज़्यादा जो है लेयर्स डाल सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल एडिटर्स में होता है। कंप्यूटर में भी जो है लिमिटेड कुछ एडिटर्स हैं जिसमें लिमिटेड लेयर्स आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप जो है बहुत सारे लेयर्स डाल सकते हैं, तो इसलिए भी मुझे बहुत ही पसंद आता है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, और इसमें बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, बहुत सारे आपको इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइस, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर मैंने जो रखा है वो है पावर डायरेक्टर, जो कि मैं खुद पर्सनल यूज़ भी करता हूँ। ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं एडिटिंग के जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे एडिटर्स लगते हैं। दोस्तों, इसमें क्या ख़ास बात है जो इसमें नहीं है? तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इसमें है वो उसमें नहीं है। कुछ मतलब एक माइनर सा एक फ़र्क है कि हम जो है पावर डायरेक्टर में हम कर सकते हैं रिवर्स वीडियो को, वो हम जो है काइनमास्टर में नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ काइनमास्टर वाले जो है कुछ आने वाली अपडेट्स में ये फंक्शन भी ऐड कर देंगे काइनमास्टर के अंदर। तो ये जो है मुझे पर्सनली जो है दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। मैं पावर डायरेक्टर क्यों इंस्टॉल किया हुआ है अगर मेरे पास काइनमास्टर चल रहा है, तो फिर इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो गाइस, इसमें ऐसी बात नहीं है कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें डिफरेंस है, लेकिन आपको उसको जो है गौर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें आप फिर भी लिमिटेड लेयर्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आपको लिमिटेड नहीं है, आप जितने भी लेयर ऐड करना चाहें उतने आप लेयर ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इजी फील होता है इसको यूज़ करने में, जितना मुझे काइनमास्टर में नहीं होता उतना मुझे पावर डायरेक्टर में ईजी फील होता है। मैंने एक मतलब ईजी फील के लिए ही मैंने इसको किया हुआ है। एज इट इज़ अगर मैं चाहूँ तो काइनमास्टर से भी वही एडिटिंग कर सकता हूँ जो मैं पावर डायरेक्टर से कर रहा हूँ। तो ये दोनों एडिटर्स जो हैं बिल्कुल सेम हैं। आप जो है कंफर्टेबिलिटी के लिए मैं जो है यूज़ करता हूँ पावर डायरेक्टर को, लेकिन मैं जो है काइनमास्टर को भी यूज़ करूँ तो इससे भी मैं वही एडिटिंग कर लूँगा जो मैं पावर डायरेक्टर पर एडिटिंग करता हूँ। तो अब थर्ड नंबर पर आ जाते हैं। थर्ड नंबर वाला सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ क्योंकि मैं उसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन वो अभी बहुत ही पॉपुलर चल रहा है और मुझे उसके जो है बातें जो सुनने में आ रही हैं, और उसके बाद मैंने जो इसके ऊपर रिसर्च की है वो भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स आए, और मुझे ये जो है पर्सनली भी बहुत ही अच्छा लगा रिसर्च के बाद, जिसका नाम है इनशॉट। इनशॉट वीडियो एडिटर जो है गाइस, ऐसा एक एडिटर आया है जिसने एक धमाल मचा दी है। इसके जो है आप देख सकते हैं 100 मिलियन से भी ऊपर जो है हो चुके हैं डाउनलोडर्स, और 6 मिलियन लोगों ने रिव्यू दिया है जो कि 4.8। आप इसमें से लिरिकल वीडियोस बना सकते हैं, आप इसमें से टेक्स्ट इफेक्ट्स एफेक्ट्स जो भी आप चाहें आप इसमें लगा सकते हैं। ये जो है बहुत ही एक मैं कहूँगा कि एक आउट क्लास एक एडिटर है। अगर आप एक टिकटॉकर हैं, आप एक यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जैसे कि
फिल्म्स वगैरह, शॉर्ट फिल्म्स, तो ये आपके लिए उनकी क्लिप्स बनाने में बहुत ही मदद करेगा। आप इससे उनके क्लिप्स बना सकते हैं, आप जो है इससे बहुत सारे स्किल्स भी सीख सकते हैं, यानी कि आप जो है इसमें आप वीडियो को जो है एडिट करने के साथ साथ पिक्चर को भी एडिट कर सकते हैं। पिक्चर को एडिट करके आप उसमें जो है आपको जो भी साइज़ चाहिए, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, देखिए टिकटॉक वीडियो की 906, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फ्री, ये जो है वीडियोज़ के हैं, लेकिन आप इसे जो है पिक्चर्स में बोल रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं पिक्चर्स ऐसे, जैसे कि ये जो है आई एम इजी टू सी, तो ये जो है आप एक जो है कैप्चर करके और यहाँ से स्क्रीनशॉट और पिक्चर भी बना सकते हैं। आप इसको स्टेटस पर भी रख सकते हैं। ये जो है बड़ी ही ज़बरदस्त एडिटर्स हैं तीनों, मेरे ख्याल में ये तीनों एडिटर्स आउट क्लास एडिटर्स हैं। अगर आप एक यूट्यूब पर यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, अगर आप किसी भी शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाना चाहते हैं, आप कुछ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो ये तीन सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे आपकी वीडियो को एडिट करने में। मैं कहता हूँ कि आप इनसे जो है अपनी पूरी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप एक व्लॉगर हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, जो भी मतलब आप रिव्यू करते हैं एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह का, तो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आपके लिए एक आउट क्लास एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए MRVTech यूट्यूब चैनल को। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल MRVTech एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।